Odd 10. मैं जुगू में जैसे आ रही भी लिखा मेरी बॉडी के ऊपर सन किसी रुए सरना रख में मंगा हूँ वो लाया ऊपर आंखें खुली मेरी टक से आ जाऊं मौत को छूकर तू लिखता कागज पे ब्रो नो डाउट मैं लिखता तेरी बंदी की रूह पर मौत आई लेने मुझे सेक्सी सा फिगर था मना नहीं कर पाया वो बोली आ मेरे पास मैं बोला झुक तेरी लेने का खर्चा क्या वो बोली संगी है क्या दिखता नहीं मौत में डर नहीं लगता क्या मैं बोला चल हट फालतू की बातों पे तेरी बेबी मैं नहीं मरता क्या वो बोली मेरे से अच्छी मिलेंगी न रख में तू चल तो सही मैंने बोला चल भी ठीक हवस इतनी मुझ में भरी पड़ी मौत थी सर पे चढ़ी तभी तो उसकी मैं बातों में आ गया नरक में पहुंचा तो देखा लड़कों की लंबी थी लाइनें लगी मैंने पूछा मौत को ये क्या है बोली की लाइनें है दिखता नहीं मैंने बोला रूट ना हो बेबी मेरा बड़ा है तो टिकता नहीं खड़ा है कतार में जब से देखा तुझे मौत बोली किस चीज की बात कर रहा है ये तो बता मुझे ए। मैं जुगू में जैसे आ रही भी लिखा मेरी बॉडी के ऊपर सन की सी रुई है सारा नरक में मंगा हूँ बोलाया ऊपर आगे खुली मेरी टक से आ जाऊं मौत को छूकर तू लिखता कागज पे ब्रो नो डाउट मैं लिखता तेरी बंदी की रूह पर ना सुखू मैं जैसे आ रही भी लिखा मेरी बॉडी के ऊपर सन की सी रुई है सारा नरक में मंगा हूँ बोलाया ऊपर आगे खुली मेरी टक से आ जाऊं मौत को छूकर तू लिखता कागज पे ब्रो नो डाउट मैं लिखता तेरी बंदी की रूह पर मेरी और देखी वो शर्म से बल्टी और जाने लगी मैं बोला क्या हुआ बेबी शर्म कब से तुमको आने लगी तुम तो मौत हो आती हो जाती नहीं मेरी और पलटी वो देख के मुस्कुराने लगी जन्म ना होता होती जो मौत तो जिंदगी का समझ जाता मकसद के क्यों आए हम बन के इंसान जब हमसे बना नहीं जाता मैं बोला ख़त्म हवस से ज़्यादा तो बेबी मेरी मौत ही ठीक है सेक्सी सा फिगर है मौत को पाने के बहुत तरीके मैं जुगू में जैसे आ रही भी लिखा मेरी बॉडी के ऊपर सन की सी रुई है सारा नरक में मंगा हूँ वो लाया ऊपर आंखें खुली मेरी टक से आ जाऊँ मौत को छूकर तू लिखता कागज पे ब्रो नो डाउट मैं लिखता तेरी बंदी की रूह पर अब मौत को प्यार है मुझसे और मुझको है प्यार मौत से डर नहीं लगता किसी से क्योंकि अब कोई बाज नहीं आता है मौत के खौफ से भौंकते अकड़ते मुर्दे मरने के बाद ये जानते नहीं है कि झुकता है वो जिसमें होती है जान बे यो गाइस व्हाट अप हाउ यू डूइंग गाइस कैसे हो सारे वेलकम बैक टू अनदर GTA 5 RP भाई तो आज यार आज मैंने ऐसे ही सोचा भाई स्ट्रीम कर लेता हूँ बिकॉज आज मेरी EMS ट्रेनिंग थी थोड़ा जल्दी करेंगे भाई क्योंकि 7 बजे EMS ट्रेनिंग का टाइम है और मैं 7:57 पहुँच चुका हूँ बहुत सारी यू नो अबे ये क्या है भाई ओ शिट मैन मैंने गलती से कुछ और कर दिया शिट सॉरी गाइस सॉरी यार भाई मैंने थोड़ा लेट कर दिया भाई मेरे पास टाइम नहीं अभी इंट्रोडक्शन देने का ठीक है मैंने लेट कर दिया बहुत ज़्यादा आई जस्ट नीड टू यू नो स्टार्ट एक मिनट को भाई कितना लेट कर दिया रुक तब तक लगी सी वेटलेस में भाई सॉरी आई एम सो सॉरी भाई यार मैं तुमको इंट्रोडक्शन नहीं दे पाऊँगा यार एक्चुअली भाई बहुत लेट हो गया हो यार मैं वो पता नहीं भाई डांट वांट ना दे भाई एक पट अपना ना वो देख रहा हूँ फॉर्म क्या था भाई लास्ट में देख होना तो चाहिए वैसे यार तो उसमें ही था ना वैसे तो लेगी एक मिनट को यार नहीं मिल रहा लेट कर दिया भाई मैंने हैं भाई क्या ही है पूरा ग्रीन बन गए हो तुम तो यही है ना यूनिफॉर्म ग्रीन बाल भी ग्रीन अरे वो ऐसे ही मैचिंग करा लिया अब एक जगह पे बात कर लो फिर दूसरी जगह बात कर दे ओ सॉरी 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 भाई कितना गंदा चिपका था
बॉट कटनी है भाई। 2 मिनट गए, 2 मिनट विद माय गेमिंग हेडफोन्स लेने हैं। बे बोलना तो कल क्यों बुला रहा था वीसी पे? बे बताता हूं मैं तुमको क्या हो गया अब। अबे यार भाई मेरे पास टाइम नहीं है ब्रो, मेरे पास टाइम नहीं है। ये 5M चल नहीं रहा भाई, कांड हो गया भाई। हट बे विद माइक नॉट एंडिंग स्ट्रीम। हाय हाय तो ऐसा व्हाट्सअप, हाय एसटीए, हाय आईडा, हाय हाइपर, हाय कुणाल भाई। जल्दी 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 कहाँ पे यार, ये तो एयरपोर्ट एयरपोर्ट में रुकते हैं भाई। अच्छा नहीं, एयरपोर्ट एयरपोर्ट में रुकते हैं ना, राइट। ओके क्या व्हाट्सअप कुणाल पढ़ लेगा। सो गाइस मेरा कैरेक्टर का नेम है शॉन मर्फी, बट थोड़ा याद करने में टाइम जाएगा। जो इजी इजी है वो समझ गया मैं। एक्चुअली मैं ईमेज ट्रेनिंग पे आ चुका हूँ, ईमेज ट्रेनिंग के वीसी में आ चुका हूँ, तो सारे वहाँ पे है। ओके अबे जल्दी होना यार। हाँ चलो न्यू कैरेक्टर शॉन मर्फी है, ठीक है नाम शॉन। अच्छा अबे यार मर्फी, ओके मर्फी ठीक है। अबे कार्लोस 19th, अबे पिचू हाँ बोल बोल क्या हुआ बोल। कल क्यों बुलाया था? चलो कंप्लीट। किसको कल बुलाया मैंने? वीसी में बुलाया था ना तुमने? हाँ तो ट्रेनिंग के लिए जो जो अवेलेबल है वो वीसी में आके बैठो, इमेज ट्रेनिंग वीसी में 7 बजे। अबे कल शाम को बुलाया था ना। अच्छा कल शाम को, तो बारिश में बुलाया था तो कोई और काम था। डीएम किया था ना वीसी आकर के? अरे वो इसलिए इसलिए बोल रहा था कि फेस कौन सा, तो मैं इसलिए बोल रहा था कि चलो आजा। सुनो सारे कपड़े बना के ठीक है, पिल बॉक्स फ्रंट साइड आ जाओ, पिल बॉक्स के फ्रंट गेट पे ठीक है। वही पे हूँ। टी शर्ट ही नहीं मिल रही। और भड़े बच्चा है तो आ गया तू? और बैठ के आ जा। आ बेटा तेरे गाना आ तू आ। हेलो कर, हेलो बेटा पूरा तैयार हो क्या? जो स्टूडेंट गाइड में दिया है कुछ भी गलत किया ना तेरे ट्रेनिंग फेल कर दूंगा। टी शर्ट तो उड़ा है, एक हफ्ते का कूल डाउन अलग से मारूंगा भाई। वाइफ वाले कपड़े तुमने डाले हो या वाइफ से पहले वाले कपड़े? वो कौन सा रखे गाइस, ये अच्छा लगता है भाई। ज्यादा मकसदी मत कर, जो दिया है वो चुपचाप कर गया। अरे नहीं मिल रहा सही में, मैं फिर से। और ये हमारे ये नाम क्या है तुम्हारा जो मेरे साथ आए थे अभी? पीएसपी कैरेक्टर नेम ही पीएसपी है तुम्हारा? कैरेक्टर नेम है हमारा प्रथमेश शेखर पवार, तो इतना बड़ा कोई बोलेगा नहीं। इन शॉर्ट पीएसपी पवार। ये वाली यूनिफॉर्म को बहुत ढूंढना पड़ता है। बच्चे कहाँ पे तू? ओ बच्चा है तो क्या चलना है क्या? ये सही लग रहा है। हेलो आवाज आ रही है? कौन से क्लोथिंग स्टोर से? ग्रुप वाला, ग्रुप का शॉर्ट्स टी-शर्ट नहीं मिल रहा मैं तैयार। और जो थर्ड रिक्रूट है वो कहाँ पे? वो भी आ जाओ ग्रुप स्ट्रीट वाले क्लोथिंग पे, वहाँ पे बता दीजिए मुझे। आ गया हो गया ग्रुप स्ट्रीट वाले क्लोथिंग स्टोर चलना भाई। मुझे वो ट्रेनिंग की चाहिए, 2 मिनट कौन
ये देखो ये है तुम्हारा नल्ला कैप्टन साला ट्रेनिंग में भी सो रहा है। सी ओ पी एस सी मेरे को कंपोनेंट में किधर है दिखे एक सेकंड बता रहा हूँ शर्ट बताओ ना शर्ट है लास्ट में 90% के आसपास है। अरे पीएसपी तुम्हारे शूज गलत है। अच्छा शूज कौन सा चाहिए नॉर्मल ये देखो बच्चे ने पहने हैं वाइट डॉट्स वाले ये नहीं नहीं चेंज कर स्टार्टिंग में मिलेंगे स्टार्टिंग में ओके नहीं वो फ्रंट व्यू से समझ में नहीं आया ये ग्रीन में आएगी या ब्लैक में हाँ होगा और क्या है स्टार्टिंग में ब्लैक में ही ऐसे बटन्स देखना ऊपर से नीचे तक कौन सी शर्ट के उसी एक ही शर्ट के उसके आसपास कोई शर्ट के बटन्स नहीं है। अरे कौन सा वाला शूज है बताओ ना ये सही है हाँ सही है ये वाला है नहीं शूज गलत है पैंट भी गलत है तुम्हारी। अरे शूज शूज कौन सा है आई गेस यही है अभी ये कर ले अंडरशर्ट कर ले और पैंट देखो पैंट जो इतने पहनी है वैसी वाली पहनो बेल्ट जिसमें लगी होती है बेल्ट वाली वो आएगी अंडरशर्ट में ये है क्या नहीं ये वाली नहीं है इसका टेक्सचर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा एक और गाइस दूसरी देखो स्टार्टिंग में ही है तो अच्छा ये मिल गई ये है बेल्ट वाली टेक्सचर चेंज कर टेक्सचर देखो सब ब्लैक हो रहा है क्या नहीं भाई अरे बच्चा ये डिकल गलत है थोड़ा और आगे जा ये वाला डिकल के बाद में वो इस डिकल के 10-12 के बाद है ईएमटी वाला डिकल नहीं तो वही रहेगा जो है कला ये ब्लैक इतना ही ब्लैक हो रहा एयरपोर्ट में मैंने कपड़े तो पहन लिए अब वहाँ से आऊँ कैसे कहाँ पे हो एयरपोर्ट एयरपोर्ट एक आलो से यहाँ पे आप एक कुछ इनको लेके बस ट्रेनिंग बस स्टेशन ही आ जाते हैं रुक जाओ जा आ रहा है ऑल राइट थैंक्स हेलो चलो थोड़ी समस्या मेरी गई गाइस ठीक है अब बताओ गाइस अब बताओ कैसे चल रहा है भाई अब सब कैसे चल रहा है क्लोथिंग स्टोर पे जाओ इन दोनों को उठा लेना यूनिफॉर्म का भी बता देना अगर कुछ गलत होगा तो इनका सब रेडी है बॉयज वी आर गुड टू गो शेम बे खेलता शेन मोस्ट शेन में खेल मराठा में सबन खेलो फॉर्म भरना नहीं पड़ता अच्छा भाई बट यार अगर हमबर्गर एसटीआर पे जाने का सीन है भाई फॉर्म ले भर दूंगा मैं उसमें एसटीआर भी चलती थी एट लास्ट में 90% एट लास्ट में एक ही एमएस की एट ठीक है वही पेन आ जाओ मेरे बालों की वजह से हैट ही नहीं दिख रही मेरे बालों की वजह से अरे नहीं वो चलो बैठो यूनिफॉर्म गलत पहने हो तुमने थोड़ा सा एक चीज थोड़ा सा सीन हो गया क्या गलत है वैसे क्या
कुछ क्या गलत है वैसे बाय द वे लाइक यूनिफॉर्म में चेंज करूंगा आपके यूनिफॉर्म में आपके शूज और पैंट ओके ओके मेरे को आवाज नहीं आ रही कुछ बोला क्या हेलो आवाज नहीं आई मेरे को बस वो क्लोथ्स के बारे में चलो गाइस जल्दी चलो मैं इनको डायरेक्ट यहां से ये भी नहीं दे रहा अरे सॉरी 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 मेरा ठीक है ना ये इनको बता दो एक बार इनका सेट कर दो हां क्या करना है कौन सा वाला बस ये पैंट करना शूज पैंट शूज पैंट तो स्टार्टिंग में ही है पैंट और आईडी कार्ड भी बता दे आईडी कार्ड पहना था इसने कहा कह रहे आईडी कार्ड अच्छा ओके ठीक है ये पैंटिंग 40% पे ओके ओके भाई वो कम आ गया रे तू इतनी मेरे और टाइज में लास्ट पे देख लास्ट थर्ड या फोर्थ पे ही होगा ये शूज नहीं है ये नहीं है नहीं टाइज में लास्ट पहले टाइज ले लो टाइज में लास्ट सेकंड थर्ड ही है लास्ट से पड़ी चालू लास्ट ही है लास्ट सेकंड थर्ड ही है इतना हाँ ये पीछे शूज अप करने बस ये वाले शूज है 30-40% 40% क्या पहन रहे भाई क्या पहन अरे कैप एक्सेसरीज में हैट्स कंपोनेंट नहीं मिल रही क्या आईडी कार्ड दो दो जगह पे क्यों लगानी है नहीं बताओ बच्चे तेरे को आईडी कार्ड दोनों जगह पे क्यों लगानी है थोड़ा आगे होगा बेल्ट पे भी आईडी है डिकल में थोड़ा आगे जा बच्चा और ग्लोव्स पहन लो ग्लो ब्लू या फिर वाइट अरे हैट नहीं मिल रही ब्लू हैट होगी उसका कलर चेंज कर अच्छा ये ब्लू नहीं वो नहीं जिस पे ईएमएस का डिकल ये लोगो बना मेरी बालों की वजह से कुछ नहीं दिख रहा हां ये वाली उसका कलर वैसे भी नहीं दिखेगा तुम्हारे बालों पे भी कटवाने पड़ेंगे फ्रेंड्स जी अपना बेल्ट चेंज कर बेल्ट गलत है और अरे जिसको मैंने अभी एयरपोर्ट से उठाया था वो अपने ग्लोव्स पहन लो आर्म सेट करके फ्रेंड्स जी का शर्ट फटा हुआ है शर्ट ठीक कर शर्ट फटा है हाथों पर हैंड्स अप करके सेट करना साले ये ले भाई ये देख फटे हुए क्या गुंडा बनेगा ठीक है चेंज कर हाँ ठीक है बस रुक और बेल्ट चेंज कर बेल्ट और थोड़ा आगे डिकल्स तुम्हें अभी नहीं पहनने जब तक तुम ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं है जी हां वही अंडर और थोड़ा हां बस पीछे का चेंज ये वाला ना नहीं थोड़ा आगे ले आ गया ले हां इस अभी आएगा देख हां आ गया नहीं ये नहीं थोड़ा मोटा है ये नहीं इसका आ गया इसके और 10 से आ गया पीछे गया पीछे चल ठीक है मैं कर पैसे लेकर आओ 2000 भाई पैसे तो भाई 3000 ऐसे अपन ने निकाल लिए सारे कौन सी गाड़ी में आना है चलो किसी
ये तीसरा कहाँ गया? मैं एक पैसे लेकर आ रहा था स्टोर से। पैसे निकालो, खाना वाना ले लो जो लो। इधर वहाँ पे बैंडेज तुम दोनों का हो गया क्या लेके, जो मेरे साथ बैठे? हो गया हो गया हो गया हो गया। और जो भी एयरपोर्ट से हो? यप, मैं भी आ गया। एमुनिशन पे जाना, स्टैंड बन लिया। यस सिमर। अबे वो तो वहाँ से मिल जाती है भाई, ईएम स्टोर से। कार्लोस क्या करता है? इंटरेस्टेड इन एक्सो? नो ब्रो, अभी मैंने करा हुआ है, फॉर्म भरा हुआ है। लेट मी सी, थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब यू नो अभी बस इंटरव्यू देना बाकी है। हेलो, आ जा वापस। दिख पिल बॉक्स के फ्रंट पे रुको, सारे एक लाइन से। मेरे को ट्रेनिंग देगा साले, तू इतना बड़ा हो गया। नहीं नहीं तू नहीं, मैं इंटरेस्ट हो गया। लग जाओ लाइन में, लग जाओ एक ना, दो चेक इन कर। मैं गेम कुछ नहीं बोल रहा, मैं आप लोगों को सारी चीजें वीसी पे बताऊंगा, ठीक है? ओके ओके। सो ये जो जगह है ना, ये जो कर्व टाइप का बना हुआ है, ये जगह इसलिए है कि एम्बुलेंस आए, पेशेंट ड्रॉप करे, एक साइड से आए पेशेंट ड्रॉप करे, दूसरी साइड से निकल जाए। यहाँ पे कोई एम्बुलेंस की हैंगआउट या फिर कुछ भी टाइप की भसन नहीं चाहिए। पहली चीज तो ये होती है, इन केस अगर आपको गाड़ी अपनी लगानी है 2 मिनट के लिए, फिर आपको अंदर जाना है, फिर आप 2 मिनट बाद बाहर आके रखोगे, तो वो रही जगह पब्लिक पार्किंग है वो, बट स्टिल आप उसको 1-2 मिनट के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है? बट उसको भी कुछ नहीं करनी है, मोस्ट प्रोबेबली गाड़ियाँ निकालो, काम खत्म हो गई, पार्क कर दो, 5 मिनट बाद काम फिर आए, फिर निकालो, फिर पार्क करो। गाड़ियाँ छोड़नी नहीं है रास्ते पे, ठीक है? और ये जगह पे तो गाड़ी रुकनी ही नहीं चाहिए, गाड़ी रुके, पेशेंट उतरे, गाड़ी लेके चल दो, ठीक है? उसके बाद ऐसे इधर उधर ऐसे 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 करके इधर भागना नहीं है, पूरे पिल बॉक्स के किसी भी एरिया में, ठीक है? आपको एकदम जेंटल वे, जैसे डॉक्टर से आराम से चलते हो वैसे चलना है, ठीक है? और जो मैं पीछे पीछे प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल थोड़ा बहुत लीनियंसी चलती है, लेकिन इतना भी लीनियंट मत रहो कि लोग तुम्हें गाली देना चालू कर दे कि ये मैं से निठल लिया है, ऐसी है वैसे। ये जो है ना, ये अपना पूरा मेन वेटिंग एरिया है, कोई पेशेंट वेट कर रहा है रिपोर्ट के लिए, यहाँ रुकने को बोलो इस जगह पे। ऐसा नहीं कि जनरल वार्ड में बोलो कि थोड़ा देर रुक जाओ, ये पूरा वेटिंग एरिया है। एक यहाँ पे ऐसा चेन टूल्स लगे हुए हैं, एक उस साइड भी लगे हुए हैं, ठीक है? तो उधर आप रुक सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज, आप यहाँ पे बैठते हो, यहाँ पे आप खड़े रहते हो, ठीक है? ये चीज कभी मत कहना कि कुर्सी पे हाँ बैठ गए ऐसे करके और कुछ ऐसा लिख दिया कि हाँ स्लैश मी चेकिंग एंड ये फॉर्म्स वो फॉर्म्स एंड फिर हो गया काम खत्म। वो चीज कभी मत कहना, पेशेंट्स आए अच्छा रिस्पॉन्स करो, पेशेंट को हमेशा बात करो, पेशेंट आए बोले कि ओके सर आई एम फिलिंग योर फॉर्म्स, यहाँ पे ऐसे लोग की तरह एफ के खड़े नहीं रहना है। पहले चीज तो ये बॉक्स में जब तक हो, ठीक है, तब तक आपकी बॉडी, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके खड़े हो गए पेशेंट सामने से आके बोले हेलो सर, तो बोल दिया हाँ हेलो हेलो बोलो, ऐसा नहीं। आपको हमेशा सामने से जाके इंटरेक्ट करना है कि हाँ सर आपको क्या हुआ है, कहाँ से आंखों से दिखा मेरे अपनी जिंदा अभी अच्छा नहीं क्यों नहीं अच्छा नहीं क्या। उसके बाद आपको आई थिंक पिल बॉक्स के अंदर के एरिया पता होगा, ये नहीं पता तो यहाँ से देख लो, ठीक है? ये पूरा पिल बॉक्स का मैप है फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट। और अगर आपको कोई चीज किसी चीज में दिक्कत हो तो ये लोग कलर्ड मैप भी बनाया हुआ है, मेन हॉल वार्ड ए वार्ड बी वार्ड सी वार्ड डी। अरे और ये दोनों तुम अपने हेयर स्टाइल चेंज कर लेना, ऐसे अपन के हेयर स्टाइल मत कर। अच्छा ओके। हां ये ऐसा लग रहा है कि बंदा सो के उठ के आ गया। नहीं नहीं कर लूंगा इनफैक्ट इसका, ठीक है इसका नहीं रे, ब्रेडेड लुक्स नहीं, नॉर्मली रखो, स्पाइक्स रख दो या फिर वो क्लीन शो माइकल जैसे वो रख दो। ओके पिलबॉक्स के एरिया आपको पता होगा आई थिंक। यस देखो ये मेन जनरल वार्ड है, यहाँ पे ना तो तुम्हें भसर करना ना तो पेशेंट को भसर करने देना है, काम खत्म, गेट है उधर, बाहर जाओ, वेटिंग एरिया में जाके बात करो, यहाँ पे हैंगआउट या बातचीत नहीं होनी चाहिए।
आप ऐसा नहीं कि पेशेंट कोई है तो यस सर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है अभी आप उठ सकते हो। और भाई कैसा है, क्या कर रहा है, सब कुछ सही ना और ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहीं पे शुरू नहीं हो जाना, बात करनी है ठीक है, वेटिंग एरिया में चले जाने तो पिल बॉक्स के बाहर जाके आराम से बात करो चिल वे में। ओके हाँ, और एक बात, जब तुम्हें इन गेम रोल मिलेगा EMT का, उसके बाद तुम्हें हर एक दरवाजे पे की मिलेगी लॉक अनलॉक करने की, तो वो कभी मत यूज करना अनलेस कि पुलिस बोले कि लॉक कर दो। फिर हर एक चीज का सेम तरीके से यूज करनी है इसमें, हर एक चीज है, MRI रूम, एक्सरे, सब कुछ है। ऐसा नहीं कि सर्जरी में बंदा लेटा हुआ है वहीं पे उसकी एक्सरे कर दो, सर्जरी में सिर्फ सर्जरी करनी है ठीक है। आपको हर एक चीज के रूम्स दिए गए हैं, थेरेपी के लिए रूम्स है, एक्सरे के लिए रूम्स है ठीक है, वार्ड ए वार्ड बी ठीक है, ये दो जगह तक मतलब हाँ लोग आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, बट वार्ड सी विजिटिंग एरिया नहीं होता है। यहाँ पे अगर कोई ऐसे ही आके घूम रहा है तो उसको बोलो कि सर प्लीज बाहर चले जाओ। वार्ड सी में सिर्फ पेशेंट्स होते हैं एंड पेशेंट्स रूम होती है और दो डॉक्टर सुपरवाइजर्स रूम होते हैं ठीक है, सॉरी तीन। इधर बंदों को आके हैंग आउट कभी मत करने दो, इधर इनफैक्ट आने ही मत दो। तो देखो कोई आता है मना करो कि सर आप इधर से निकल जाओ ठीक है, वार्ड बी तक चलता है, वार्ड बी तक आप अगर आते हैं और फिर तुरंत निकल जाते हैं तो चलता है, वार्ड सी मत आने दो, वार्ड सी स्पेशली पेशेंट्स के लिए होती है ठीक है। और वार्ड बी में आपको एक्सरे एमआरआई मिल जाएगी, वार्ड ए में जनरल वार्ड एंड सर्जरी रूम्स मिल जाएगी, प्लस आपको लेबोरेटरी मिल जाएगी ठीक है, वो सारी चीजें आप खुद से कोई विजिट कर लेना ठीक है। नाउ कम्स पिल बॉक्स और बैक, ये सब जो चीजें है वो कोई तुम्हें बताएगा नहीं कि कैसे यूज करनी है, क्या करनी है, वो तुम्हारे आरपी के ऊपर डिपेंड करती है कि तुम उनका कैसे यूज करते हो। हाँ वो हम नहीं बताएंगे कि सर्जरी ऐसे करो वैसे करो, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि कैसे यूज करोगे। पिल बॉक्स रूफ अननेसेसरली जाना ही नहीं आपको, इनफैक्ट अभी आपके पास मेडवेक लाइसेंस नहीं है तो अभी आपको पिल बॉक्स रूफ का काम ही नहीं है टिल कोई मेडवेक लाइसेंस वाला बंदा आपको ना बुलाए ठीक है। सबसे मेन होता है ये चीज आपको पता है किस लिए, हाँ, किस लिए बताना। अगर अगर कुछ काला जादू वगैरह होता है तो यहाँ पे जाके वापस आते हैं। नहीं, जब पेशेंट्स का परमा होता है ना तो पेशेंट्स को एक्चुअली सिटी लीव करनी पड़ती है ताकि उसके बाद वो अपना कैरेक्टर डिलीट कर सके। ओके ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस आउट ऑफ कैरेक्टर, तो ये उस चीज के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे समझाना। ऑफ ड्यूटी हो, हाँ ये स्पेशली तब होता है आप यहाँ पे लाके रखोगे बोलोगे कि स्लैश मी सेंडिंग पेशेंट टू द मॉल रूम, फिर बंदा यहाँ पे ई प्रेस करके सिटी एग्जिट करेगा, वहां पे आपकी ऑपरेशन आरपी खत्म हो या जाएगी। फिर अगर उसको प्रॉपर आरपी करनी है परमा की भी, तो जो पुराना पिल बॉक्स है ग्रुप स्ट्रीट के पास, वहां पे आपको लेके जाना पड़ेगा उसकी डेड बॉडी को। वहां पे जाके प्रॉपर वैसे पूरा आरपी क्रिएट करके, उसके बाद वहां पे वो अपना कैरेक्टर एक वो एग्जिट करके डिलीट कर देगा। पहले क्या था कि ये जो ये वाला जो दरवाजा था, वहां से मॉक कनेक्टेड था, वहां से अंदर घुस जाओ, वहां पे था ऑटोप्सी रूम ये सब था, तो वहां पे हो जाता था, वहां पे ले जाके सीधा एक कैरेक्टर एग्जिट कर सॉरी देते। लेकिन अभी के लिए वो दोनों पिल बॉक्स अलग अलग हो गए, तो अभी अगर मैं प्रॉपर आरपी करनी है परमा की तो उधर लेके जाना पड़ेगा ग्रिफ्ट स्ट्रीट पे पुरानी पिल बॉक्स, वहां पे वो आरपी हो सकती है। क्योंकि सबसे मेन चीज आरपी हम नहीं सिखाएंगे आपको, कब क्या कैसे, सिर्फ आपको चीजों का यूसेस बता देंगे ठीक है। ऐसा मत करना कि आप ऑफ ड्यूटी हो, आपको कैरेक्टर स्विच करने का मन किया, आ गया कैरेक्टर स्विच कर लिया, ऐसा प्लीज मत करना। इस जगह से तो स्पेशली नहीं, ये बस स्टेशन है, रेलवे चलेगा। स्टेशन अगर तुम्हें जाना ही है तो बस स्टेशन पे चले जाओ, ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से वहां से भाग के जाओ, आज गेट एग्जिट करो, वापस आ जाओ। पिल बॉक्स का रूफ पे आपको समझ में आ गया। EMS व्हीकल्स में एक व्हीकल है व्हील चेयर, उसको लेके ऑब्वियसली फालतू का नहीं घूमना, अरे उसको तो नहीं घूमना। बता देना सभी व्हीकल के बारे में, बता। आ जाओ रूफ पे, आ जाओ रूफ पे नहीं, पहले पीछे आ जाओ, रूफ पे आप आ जाओ आ बताओ। जाओ। वही तो दो ही है ना ये दिखाना है, मेड बैग दोनों दिखा देते, आ जाओ ऊपर। ओ भाई
ये है हमारा वेस्टर्न मेवरिक जो पहले से हमारे आप शबाश ये क्या है ये है हमारी एमएस का चॉपर ये है नया चॉपर जो लेफ्टिनेंट और उनके अबो पोस्ट के लिए है AW-139 इसमें रैपल एक ही साइड से कर सकते हो इसलिए मेक श्योर कि लेफ्ट साइड में बैठना है चॉपर पीछे की सीट पे देखो ये चॉपर जो है ना वो मेनली कॉम्बैट इसके लिए है कि कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे बहुत सीरियस केसेस हो एंड ऑल दैट सो उसके लिए ठीक है ये भी फोर सीटर ही है बट ये ज़्यादा स्टेबल है ठीक है और ये स्पेशली ट्रेनीज के लिए है ये फास्ट भी नहीं है नॉर्मल स्पीड है इसकी और ये लेकिन इसके एक एक ड्रॉबैक है कि इसको आप स्लोप पे नहीं लैंड कर सकते क्योंकि इसके व्हील्स है तो रोल डाउन होता है इसको आप स्लोप पे नहीं रख सकते ठीक है और ये ट्रेनिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए ओके और ऊपर से इसके जो विंग स्पैन प्रोपेलर का स्पैन है वो बड़ा है तो अगर स्लोप पे रखा तो हो सकता है कि जैसे तुम उतरो विंग से तुम ही कट जाओ तो जब आपकी ट्रेनिंग होगी तब आएगी और ये है हमारा मेन वेस्टर्न मेवरिक जो मैक्सिममली यूज होता है क्योंकि इसकी स्पीड भी वो AW-139 से ज्यादा है और इसीलिए हम इसको कंट्रोल कर सकते अभी तो आपको चॉपर का तो आपको मेडिकल ट्रेनिंग जब आएगी तो उस वक्त बता दिया जाएगा पहले भाई उसके लिए बहुत टाइम है अभी चलिए नीचे आइए और जब तक आप मेडवैक ट्रेनी या फिर मेडवैक लाइसेंस होल्डर नहीं बन जाते तब तक आपको रूप पे जाना नहीं अनवांटेडली अनलेस कि आपको कोई सीनियर बोले कि आप ऊपर आओ और ये जगह है जहाँ पे नो पार्किंग पहले से लिखा है अगर कोई भी गाड़ी दिखे एक बार देख लो किसी की गाड़ी नहीं है सीधा इंपाउंड ये एम्बुलेंसेस में तीन लिबर्टीज आती है 1-3 फिलहाल 1 ही यूज करना है 2 है लीड पैरामेडिक एंड अबव 3 है ल्यूटिनेंट एंड अबव गॉट इट ये एम्बुलेंस है इनसाइड सिटी आउटसाइड सिटी इफ यू वांट ये मतलब इसको आप कोड 12 पे भी लेके जा सकते हो ठीक है ये है एम्बुलेंस मेन ठीक है दूसरे नंबर पे आती है एक्सप्लोरर अभी तो इसको आपको यूज नहीं है बट इससे आप इन सिटी कॉल्स नहीं रिस्पॉन्ड कर सकते ठीक है हाँ इनफैक्ट अगर आपको मिल जाती है कोड 12 एंड कोड 1 पे आप इसको ले जा सकते हो बाइक्स ये है ईएमएस बाइक ओके ईएमएस बाइक ऑब्वियसली रिस्पॉन्डिंग एज अ फर्स्ट यूनिट अगर कोई ज़्यादा यूनिट्स है तो स्पेशलिस्ट एंड अबव बाइक निकाल सकते हैं ताकि वो फटाक से किसी भी सिचुएशन पे तुरंत पहुंच जाए एंड पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे जब तक ट्रीटमेंट हो तब तक एम्बुलेंस पहुंच जाए एंड इससे मतलब थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो जाता है ठीक है सबसे लास्ट में आता है ये आउटसाइड सिटी कॉल्स के लिए क्योंकि बहुत बड़ा है और इसकी सस्पेंशन बहुत सही है ठीक है एक्सेलरेशन भी अच्छा है आर्मर भी अच्छा है हाँ तो ये आउटसाइड ये मैक्सिममली यूज कर सकते हो कि जैसे माउंटेन की कॉल से वहाँ पे नॉर्मल जो एम्बुलेंस है वो नहीं जाती है क्योंकि उसका उतना एक्सेलरेशन नहीं है तो उसको यूज करो F450 को वो इजीली ऊपर चढ़ जाती है हाँ और एक बात कि जैसे वो तुम F450 निकालोगे पहले एक्स्ट्रा ऑल ऑफ कर देना नहीं तो जो पीछे का स्ट्रेचर रहता है उससे लोगों को काटते चले जाओगे ये जो F450 है ना जो बड़ी एम्बुलेंस है उसको जो स्पॉन करने के बाद पीछे में देखना है कि स्ट्रेचर रहता है जमीन पे निकाल कागज से एक बार F450 स्ट्रेचर दिखाई तो नहीं दिया मेरे को मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो कभी स्पॉन होता है कभी नहीं होता ये देखो ये जो स्ट्रेचर है ना पहले इसको हाँ इसके साथ ही रहेगा अगर इसके पास में कोई आया तो वो सीधा डेड जाएगा तो एक्स्ट्रा ऑल ऑफ करके वो पहले हटा देना और लेके चले जाना ओके और इसमें पेशेंट टायर के पास से रखना ठीक है हाँ पीछे से नहीं टायर के पास से और इसमें एक इसमें दरवाजे होते हैं एक्स्ट्रा के जो ड्राइवर की सीट के पीछे होते हैं ये वाले फिर आती है व्हील चेयर वो बेमतलब का यूज मत करना कि चलो मजाक मस्ती के लिए यूज कर लेते हैं हम घूम लेते थोड़ा वैसे कभी मत करना
वो बस आरपी के काम में है, जैसे कि कोई अगर तुम्हारा पेशेंट है जिसकी सर्जरी परफॉर्म हुई है, वो चल फिर नहीं सकता, उसके लिए तुम एक व्हीलचेयर निकालोगे, उसको उसको चाबी दे देना, वो बैठेगा, उसको आगे आगे लेके जाना। चलो अब एम्बुलेंस में आ जाओ, एरिक एक एम्बुलेंस निकाल बेटा, लेना तीनों को एक साथ बता दे, मैं बाइक पे आ जाता हूं। आ जाओ बैठ बैठो तीनों बैठ। अरे मेरे को नहीं आया। अरे कार्लोस भैया ये रह गए। ओ मिस्टर कार्लोस छोड़ गए क्या? आया ही नहीं कुछ। लेके आ जा ना क्यूआर भी है, इसको लेके आ जा। बाइक क्या लाएगा? नहीं दिख रही तेरी गाड़ी, आपकी बाइक नहीं दिख रही। अच्छा माँ का भरोसा। इसकी कितनी है कैपेसिटी? चलो गाइस आई एम बैक। 4 4 ओके। एयरपोर्ट जा रहा है ना? पर मेरा क्वेश्चन था कि जो लाइसेंस है मेडवर्क का, वो कब मिलता है? आफ्टर एलीट पैरामेडिक। और लाइट्स ऑन ऑफ का मसल कौन सा? क्यू से ऑन, अल्ट से सायरन, क्यू से लाइट्स ऑन, अल्ट से सायरन, आर से टोन चेंज होता है। आप EMS documents और EMS codes के थ्रू गए हो? ये थोड़ा सा लाइक बस codes थोड़ा याद करने हैं। ना वो पढ़ लिया। पढ़ा है ना? हाँ। let's जिसने पढ़ा वो मेरे को एक बार बताना कौन-कौन से codes आपको पता है? N4, 10, 10, 10, 20, 10. नहीं वैसे नहीं, आप मतलब वैसे बताओ ना कोड्स का, जैसे 10-4 कौन सा कोड को किस लिए यूज होता है? अफर्मेटिव 10-10 10-10 ऑन ड्यूटी, 10-10 रन ऑफ ड्यूटी, कोड 1 कोड 2 कोड 3, 10-10 नेगेटिव, 10-20 लोकेशन, हां 10-16 इन रूट। चलो मैं बता 10-10-38 EMS में बहुत से कॉल्स होते हैं जो सारों को एक बार में याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। मेन कोड्स में आपको बताता हूं 10-78 ऑन ड्यूटी, 10-76 रिस्पोंडिंग टू लेटेस्ट 911 कॉल, हां सॉरी 10-76 इन रूट, ठीक है 10-76 मतलब होता है इन रूट। क्या होता भाई मैं पीडी इसमें मिक्स कर रहा, हाँ सॉरी 1076 का होता है रिस्पॉन्डिंग टू लेटेस्ट 911 कॉल, उसके बाद 1060 एरिक। हाँ बोल। कॉल्स को तू बोलना। उसके बाद 1023 मैं मिक्स कर रहा हूँ। Nice. पहला कॉल है 1078 जो है ऑन ड्यूटी के लिए, दूसरा है 1079 जो है ऑफ ड्यूटी के लिए, तीसरा है 10 मैं जो खुल गया तो मैं निकालता हूँ। अरे भाई तो कितना टाइम हो, मैं कब डिजाइन किया था रे? मेरे को याद आ नहीं रहा। अरे हाँ छोड़ो मैं सीरियसली तुम्हें बता, ठीक है so 1078 on duty, 1079 off duty, 1076 responding to latest 911 call, उसके बाद 1038 at the latest 1076 calls means आप वहाँ पे पहुँच चुके हो, ठीक है 1038 का मतलब होता है कि आप वहाँ पे पहुँच गए हो latest 1076 यानी 911 call, ठीक है okay. उसके बाद आपको वहाँ पे होता है ना पेशेंट्स को ट्रीट करना, वो आपको बताएंगे कि कैसे ट्रीट करना है, उसके बाद ये कॉल्स देना है कि रिटर्निंग 1016 ऑन कोड 2, ठीक है। देखो सबसे मेन चीज होती है जब भी आप 1076 से रिस्पॉन्ड करो ना, ठीक है, तो कोड 3 में करो क्योंकि 1076 पे आपको जल्दी पहुंचना होता है,
तो कोर 3 मींस गोइंग ऑन लाइट्स विद साइलेंस. हां इसमें आपको स्पीड लिमिटर नहीं रहता कि आपको हां बिलो 100 ही जाना है या 100 जाना है. ठीक है उसके बाद जब वहां पे पहुंच जाओ 1030 है द लेटेस्ट 1076 मींस आप वहां पे पहुंच गए लेटेस्ट 1076 कॉल्स पे. वहां पे आप पेशेंट ट्रीट करो फिर पेशेंट को अपनी गाड़ी में डालो फिर आपको कॉल देना है कि 1016 ऑन कोड 2 मींस आप पिलबॉक्स वापस आ रहे हो. कोड 2 में क्या होता है आप लाइट्स तो जंप कर सकते हो लेकिन उसमें स्पीड लिमिटर होता है. ऐसा नहीं कि आप एकदम कोड 2 में गाड़ी उड़ाते हो ला रहे हो इसको ठोकते हो आ रहे हो उसको ठोकते हो आ रहे हो. ठीक है कोड 2 में आपको थोड़ा संभल कर और आराम आराम से चलाना पड़ता है. ठीक है उसके बाद मैं तो कोड 2 पे साला 150 की स्पीड में भागा था. नहीं पीछे पेशेंट भी होता है ना कोड 2 में. ठीक है उसके सॉरी ट्रेनिंग पे ध्यान दे बाद में काटूंगा. उसके बाद आप वहां से चल दिए फिर आप पिलबॉक्स आए. पिलबॉक्स आने के बाद आपको ये कॉल देना है 1030 1060. ठीक है 1016 मतलब पिलबॉक्स. ओके रिटर्निंग पिलबॉक्स 1016. यप उसके बाद आपको बोलना है अगर आपके साथ राइडर लॉन्ग है तो राइडर लॉन्ग को बोलो कि पीछे जाके स्ट्रेचर निकाल के पेशेंट ले लो. राइडर लॉन्ग नहीं है तो अंदर अगर कोई डॉक्टर है तो आप उनको बोलो. अगर अंदर भी कोई डॉक्टर नहीं आप अकेले हो तो जाओ स्ट्रेचर आउट करो पेशेंट्स को उठाओ चेक इन कराओ आके फिर एम्बुलेंस पार्क करने जाओ सीधा. ओके ठीक है तो वो एम्बुलेंस आप पार्क करने जाओ. एम्बुलेंस जब पार्क हो जाए तो अंदर आओ. अंदर आने के बाद जनरल वार्ड में जाओ पेशेंट्स को चेक करो कि हाँ सर आप ठीक हो आप ठीक हो क्या सिचुएशन है क्या नहीं है. ठीक है ये तो हो गया आपके डे टू डे. ये कॉल्स आपको डेली यूज करने पड़ेंगे लिटरली डेली. जब ऑन ड्यूटी आता है आपको ये कॉल्स यूज करनी पड़ेंगे. उसके बाद होता है 1020 मीन्स योर करेंट लोकेशन. ठीक है नीड 1026 यानी नीड बैकअप. सुन रहे हो? ओके अगर आपको देखो मान लो कि किसी जगह पे आपको आप गए बट वहाँ पे 3 पेशेंट्स डाउन है तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको वहाँ पे 1026 का कॉल देना पड़ेगा ऐसे नीड 1026 एट आवर 1020. ठीक है इट मींस यानी मेरे को हाँ एक और यूनिट पे. हाँ उसके बाद ठीक है उसके बाद अगर आप किडनैप हो रहे हो देन डिस्पैच 1051 यानी यू आर गेटिंग किडनैप ऐसे करके ऑन ड्यूटी. एक और या ऑन ड्यूटी देखो मान लो कि अगर आप किडनैप हो रहे हो ना ठीक है तो हो सकता है आप ये नहीं चला के बोलोगे ना कि अरे सर मैं किडनैप हो रहा हूँ बचा लो मेरे को. तो सर आपको फट से ये करना पड़ता है कि आपको बोलना पड़ता है कि आई एम गेटिंग किडनैप. तो आई एम गेटिंग किडनैप लुक्स टू लॉन्ग एंड क्रिंजी. ओके सो आपको नॉर्मल में बोलना डिस्पैच 1051 ऐसा मींस यू आर गेटिंग 1051. ओके और रेडियो कॉम्स का यूज बस कॉल्स देने के लिए और अपने जो आपके साथ ईएमएस रहेगी उसको इन्फॉर्म करने के लिए. ये नहीं कि अगर रेडियो आप रेडियो से कनेक्टेड हो तो आप कहीं अगर कॉल पे गए हो तो जो आपका दोस्त है जो पिल बॉक्स पे वेट कर रहा है उसके साथ गप्पे लड़ा है रेडियो पे उससे दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं जो कॉल पे जा रहे हैं. और रेडियो कॉम यूज करने का एक सिस्टमैटिक वे होता है जिसमें 75% वर्ड्स आते हैं और 25% आपकी वर्डिंग आती है. तो ये हमेशा फॉलो करना वरना जो तुम्हारे सीनियर से उससे डांट खाओगे हो सकता है आप पे प्रॉपर एक्शन भी हो अगर आप फॉलो ना करते हो. अगर कोई रेडियो पे ज्यादा फसर कर रहा है तुमको शांति चाहिए तो बोलो डिस्पैच 1030 means stop radio chat. अब जैसे देखो तुम किसी कॉल पे जाते हो वहाँ पे 3 पेशेंट डाउन है एंड तुम 1026 मंगवाते हो यानी बैकअप मंगवाते हो उसका एक प्रॉपर कॉल्स होता है डिस्पैच नीड 1026 एट मैट 1020 देयर आर 2 1035 3 1035 4 1035 यानी 1035 का मतलब होता है कि मोर देन 1 पेशेंट. ठीक है मतलब एक से ज्यादा पेशेंट है मैं 1020 पे कितने ज्यादा वो तुम्हें बताना है. ये देखो 1035 का जनरली सीन बनता है कि पेशेंट्स डाउन इतने पेशेंट्स डाउन है तुम्हें उसका के नंबर जो लगाना है 1035 बोलोगे देयर इज अ 1035 यानी समझेगा कि एक ही 1035 है दो है तो दो लगाओ तीन है तो तीन लगाओ. कभी कभी रेडियो पे कोई कॉल आता बट तुम्हें सुनाई नहीं देती तो फिर तुम ऐसा नहीं बोलोगे क्या बोला सर फिर से बोलो ऐसा नहीं बोलना उसके लिए भी प्रॉपर कॉल आती है जिसका होता है 105.
ठीक है। तो ये सारे तो ऐसे कॉल्स है जिसको आपको मतलब डेली समझ लो डेली ही यूज आएंगे, ठीक है। ये किडनैप का तो कम आएगा बट इसका डेली ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कोड्स होते हैं, ठीक है, बहुत लिटरली मतलब बहुत सारे, तो उन सबको आपको याद रखना है। चलो मैं आपको कोड 2, कोड 3 और कोड 4 बता देता हूँ, ठीक है। कोड 2 ओनली लाइट्स, लाइट्स क्यू से ऑन होती है। कोड 3 लाइट्स प्लस सायरन, ठीक है, वो क्यू प्लस अल्ट सायरन, सायरन टोन चेंज करने के लिए आर, ओके। उसके बाद कोड 4 एक आता है, ठीक है। कोड 4 मीन्स एरिया क्लियर है, यानी सिचुएशन अब क्लियर है। जब किसी कॉल पे जाते हो, कॉल पे आप मैसेज देखते हो बट आपको कोई दिखता नहीं है, तो सब बोले दिस सिचुएशन इज कोड 4 1016 ऑन कोड 2, ठीक है। और जनरली जब कोड 4 हो जाए ना, तो 1016 कोड 1 पे ही आ जाए करो, ठीक है, आराम से। क्या जरूरत है तेज चला के ट्रैफिक लाइट्स जंप करने की, पेशेंट तो है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। और एक कोड होता है कोड 6 जो बेसिकली एसएसपी का कोड है, क्योंकि जब वो वहां पे जाते हैं सिचुएशन पे उनको सस्पेक्ट नहीं मिलते, तो वहां पे वो पेट्रोलिंग करते एरिया सर्च मारते कि कोई सस्पेक्ट का क्लू मिल जाए। तो तुम भी कोड 6 कर सकते हो, जैसे अगर कहीं से कॉल आया तुम्हें पेशेंट नहीं दिख रहा है, तो आसपास के एरिया में एक बार नजर मार लो कि कहीं आजू बाजू में पड़ा हो पेशेंट, तो तब बोल देना कि लोकेशन पे पहुंच गयो 10:38 एट लास्ट 76 बट नो नो पेशेंट फाउंड परफॉर्मिंग कोड 6। बंदी कर दिया मैंने, बोला जितना बताना था बता। पहले 10 कोड तो सर समझ में आ गए, उसके बाद सब ऊपर से जा रहा है। कोई नहीं, एक बार में जो अभी तुम्हें आ रहे हैं ना वो ठीक है, जो नहीं आ रहे उसको धीरे धीरे समझना, डेली उस पर नजर मारते रहो, आ जाएंगे। अगर नहीं आ रहे तो एफटीओ तो रहते ही है, कोई भी किसी को भी टैग करके पूछ लो, या फिर ऑन ड्यूटी है कोई भी सीनियर उसको पूछ लो, वो बता देगा तुम्हें। हाँ, जो कोई भी सीनियर रहता है पूछ लो, बता देगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है किसी भी एफटीओ को टैग कर लो, हम बता देंगे तुम्हें। उसके बाद सबसे में होता है ट्रीटमेंट आरपी। हम आपको हिंट दे सकते हैं कैसे करना हो, बता सकते हैं, लेकिन हम आपको सिखा नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि वो तुम्हारा तुम कैसे ट्रीट करते हो, सिचुएशन कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, वो तुम्हें डिसाइड करना है। तुम्हें कोई एफटीओ हाई कमांड ये कोई नहीं बताएगा कि ये तुम्हें कैसे करना है, ये सिचुएशन कैसे करना है। तुम कॉल पे जा रहे हो, पहले कॉल पे क्या सिचुएशन है, कैसा क्या हुआ है वो देख लो एक बार, कि गाड़ी ब्लास्ट हुई है या कोई लोकल पीछे खड़ा है जिसकी गाड़ी से टकराया हुआ है या क्या हुआ है वो देख लो। पेशेंट स्लैश डिस्क्रिप्शन या स्लैश निकल के कुछ लिख रहा है उस पर ध्यान दो, उसके हिसाब से फर्दर ट्रीटमेंट करना चालू करो। ऐसा नहीं कि तुम्हें अगर हॉटकी दी गई हो तो तुम जाके वहां पे धड़ाधड़ हॉटकी स्पैम मार रहे हो, पेशेंट से कोई बात नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं। देखो हॉटकी तो हम देते नहीं, हॉटकी तो बात ही खत्म हो गया, हॉटकी का कोई सीन ही नहीं बनता, हॉटकी यूज किया ही मत करो, ठीक है। हर एक बार जरूरी नहीं होता कि तुम बंदे का जाके चेकिंग पल्स चेकिंग हार्ट बीट चेकिंग ये चेकिंग वो कर रहे हो, बंदा मुक्के से मरा है तुम जाके उसकी हार्ट बीट एंड पल्स चेक कर रहे हो, ये इसका मतलब कुछ। हॉटकी बंद करने के पीछे यही रीजन है, हम ट्रेनिंग को हॉटकी अलॉट करते थे पहले, लेकिन फिर जब ऑब्जर्वेशन में ऐसा देखा गया कि कोई ट्रीट नहीं कर रहा है, जाते हैं पेशेंट के पास बैठते धड़ाधड़ हॉटकी स्पैम मारते हैं, पेशेंट से कुछ बात नहीं कर रहे, वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आज भी करने नहीं, जिसमें हॉटकी स्पैम खत्म हुआ उसको उठाते स्ट्रेचर पे बैठा के एम्बुलेंस में डाल दिए सीधा अंदर। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि बंदा वहाँ पे डाउन है, उसको सेंटर स्पाइन इंजरी है, वहाँ पे कोई ये क्रेप बैंडेज लगा रहा है, कोई कुछ एंटीसेप्टिक लोशन, भाई सेंट्रल स्पाइन इंजरी इंटरनल होती है, उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगा के क्या कर लोगे, उसका वो एपिडर्मल लेयर फाड़ के अंदर लगाओगे क्या एंटीसेप्टिक लेशन। अकॉर्डिंग टू रूल जैसे वो बात कर सकता है स्लैश डू या स्लैश मी का यूज करके वो बताएगा तुम्हें उसके, वो तो तुम जोर से पढ़ोगे नहीं स्लैश में कुछ बोल रहा है जैसे कि वो हेड इंजरी, तो जैसे उसने हेड इंजरी बोला उसी अकॉर्डिंगली तुम अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो कि
गिनिंग जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपके सर पे चोट लगी है। हाँ, जैसे कि आपको उसके सर पे वॉन्ड दिख रहा है तो पहले वॉन्ड क्लीन करो, उस पर गॉज लगाओ, तो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए कुछ लोशन वोशन लगाओ, ऐसा करके तुम आरपी क्रिएट कर सकते हो। और वो अगर बोलता है डेड तो डेड तो 100% करो। आवाज नहीं आई। अरे थोड़ी तुम कहीं जाओगे बंदा मरा हुआ है, बंदा मरा हुआ है तो मरा हुआ है, उसी हार्ट बीट चेक करो। T/T/ मी करके डेड लिखेगा तो। अरे यहाँ पे बंदे डाउन, ऐसा कोई डेड नहीं करता, वो डेड वही लिखता है जिसको परमा कराना है अपने कैरेक्टर का। वो भी अगर उसको डायरेक्ट पूरी आरपी करनी है तो फिर उसको पिलबॉक्स लेके आओ, उस पे ट्रीटमेंट करो, इमरजेंसी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो उस पे डायरेक्ट सर्जरी रूम में ले जाके, क्योंकि अगर वो उसको परमाई कराना है तो उसको चेक इन करके कोई फायदा है नहीं। उसको ले जाकर सीधा सर्जरी रूम में लेके जाओ, उस पर ट्रीटमेंट परफॉर्म करो, चेकिंग हार्ट बीट, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दो। अगर कोई पैराशूट से गिरा है तो क्या लिखेगा? पैराशूट से गिरा है तो ऑब्वियसली उसका फ्रैक्चर वगैरह होंगे, इंटरनल फ्रैक्चर, या फिर हो सकता है कि बोन फ्रैक्चर होके सीधा जो उसके स्किन है वो फाड़ के बाहर निकल जाए, कई बार होता है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे आरपी इनिशिएट करता है, उसके आरपी में आपको आपको खुद को इन्वॉल्व करना है। उस आपका ट्रीटमेंट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, और सिचुएशन एक ही नहीं रहेगी हर बार, वो हर बार चेंज होगी, हर कॉल में चेंज होगी, जितने भी कॉल आएंगे हर कॉल में डिफरेंट सिचुएशन मिलेगी तुमको फेस करने के लिए। तो सिचुएशन तो हमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते कि ऐसे सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आगे सिचुएशन ये दी है तो उस पर कैसे बिहेव करोगे। हम इतना बता सकते हैं कि आपको 1090 में कैसे हाँ ये कर ले तू, शाबाश। ब्रीफकेस ढूंढ रहा था मैं, ब्रीफकेस ढूंढ रहा था। तो डायरेक्ट लिख ना ब्रीफकेस, नहीं मिल रहा ना वो कर सूटकेस। आगे बोलिए, हम आपको सिखा सकते हैं जैसे 1090 में कैसे रिस्पोंड करना है। 1090 का कॉल, 1090 के कॉल पे तुम्हें एसएसपी से कॉल आएगा कि 1090 हो रही है, आपका एक यूनिट चाहिए। अगर जैसे अभी तुम ईएमटी हो, अपने साथ एक सीनियर को लेके जाओ और जाके बैंक में सीधा ऐसे मत चिपक जाना कि पुलिस वाले तुम्हारे दोस्त है तो हम उनके पास जाके खड़े रहेंगे। बैंक से तुम्हें 100 मीटर की दूरी पे रहना है और ऐसी जगह पे खड़े रहो जहाँ से जो रॉबर्स है उनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना हो। हो सकता है कि वो खुद के बचाव के लिए तुम पे शूट कर दे ताकि पुलिस का ध्यान देंगे जो वहां से निकल जाए। तो ऐसे ऐसे रहना कि वो थोड़े साइड में रह ले, और जब तक तुम्हें पुलिस से कंफर्मेशन नहीं आता कि सिचुएशन कोडफोर है तब तक तुम वहां से निकलोगे नहीं बैंक हॉस्टेज सिक्योर करने के लिए। और एक बात कि वो सामने वाला भले ही सस्पेक्ट रहे, हॉस्टेज रहे या ऑफिसर रहे, नो मैटर वॉट वो कौन है, तुम्हारे लिए वो ऑलवेज पेशेंट है, तुम्हें उसको ट्रीट करना है। वो सस्पेक्ट या हॉस्टेज वो पुलिस वालों के लिए वो देखते बैठेंगे। हाँ, बट एक चीज याद रखना, सस्पेक्ट एंड ऑफिसर्स, प्रायोरिटी ऑफिसर्स को जाएगी। अगर एक सिचुएशन है जहाँ पे सस्पेक्ट और ऑफिसर दोनों डाउन है तो पहली प्रायोरिटी देना ऑफिसर्स को, उनको ट्रीट करो, पिलबॉक्स लेके आओ, उनको वापस लेके जाओ। वो अगर सस्पेक्ट ज्यादा है, तुम्हारे पास बैकअप कम है तो ऑफिसर तुम मदद करेंगे सस्पेक्ट को पिलबॉक्स लाने के लिए, क्योंकि एक बार में तुम हार्डली दो बंदों को ला सकते हो एम्बुलेंस में। एक को ट्रंक में डालोगे, एक को स्ट्रेचरिंग करोगे, बाकी अगर वो एक आध भी पेशेंट होगा वहां पे डाउन तो उसको कैसे लाओगे? वो तो तुम्हें ऑफिसर से मदद लेनी पड़ेगी ना लाने के लिए। तो उस वक्त एक आरपी क्रिएट कर सकते हो कि पहले ट्रंक ऑफिसर को बोलो ट्रंक खोल ले, वो ट्रंक खोलेंगे, आप चेक कर लो और कुछ क्लीनिंग विनिंग कर लो ताकि इन्फेक्शन ना बढ़े सस्पेक्ट को वॉन्ट्स पे। उसके बाद सस्पेक्ट को डाल दो उनकी गाड़ी में, वो ऑफिसर लेके आ जाएगा पिलबॉक्स तक। और जैसे तुम हॉस्टेज को या सस्पेक्ट को ला रहे हो, चेक इन करा दिया, ऑफिसर को पहले इन्फॉर्म करो कि ये एक्सपीरियंस है ये पेशेंट का, हमने उसको चेक इन करा दिया, आप अंदर देख लीजिए। और पुलिस जब अंदर अपना काम कर रही है तो वहाँ पे लॉयटर मत करना, उनको अपना काम करने देना, आप अपने साइड में खड़े हो जाना या फिर जो रिसेप्शन है जहाँ पे चेक इन करते हैं वहाँ पे आके खड़े हो जाना। अगर पुलिस बोलती है कि आपकी मदद चाहिए, दरवाजा लॉक कर दो, अनलॉक कर दो, तब एक जन जाके दरवाजा अनलॉक या लॉक कर देना। अरे यार 10-4 होता है ना गेम्स में क्या? हाँ 10-4 होता है, 10-4 मतलब अफर्मेटिव।
ओके सो अभी मैं आपको एक नॉर्मल ट्रीटमेंट आरपी बता रहा ठीक है। एक काम करो, ट्रीटमेंट आरपी बताने से पहले जो जो चीज़ अभी आपको बताई गई को उसको ब्रीफिंग करना वन बाई वन। कौन कर रहा है पहले? मैं करता हूँ। नो इशू, जिसको करना है वो स्टार्ट कर। सुषमा 10 सेंटीमीटर ऑन ड्यूटी, 10 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूटी, और जो पिलबॉक्स था जो फ्रंट साइड है उधर एम्बुलेंस हमें मतलब ज़्यादा टाइम के लिए खड़ा रही पेशेंट के उतारो, चेकिंग करवाओ और एम्बुलेंस डालो उधर से। और पिलबॉक्स के रूफ पे नहीं जाना, सिर्फ जो ये वाली एम्बुलेंस है हमें ये यूज़ करनी है जो हमारे पीछे है। और कोड 1 कोड 2 कोड 3 और अगर हम मतलब मल्टीपल सस्पेक्ट्स डाउन है तो हमें कॉल देना है 1036 जितने सस्पेक्ट्स है उतने नंबर का 26 ना 36 एडिशनल एम्बुलेंस प्लेट 26 है 1026 है ना नीड बैकअप। यप यप जैसे अगर पेशेंट एक से ज्यादा है तो बोल दो कि 2 10 35, जैसे अगर दो पेशेंट है और तुम्हें बैकअप चाहिए तो बोलो कि 2 10 35 एट माय 1020 नीड 1026 या फिर नीड 2 10 26, तो दो दो यूनिट आ जाएंगे वहां पे एम्बुलेंस के। कंटिन्यू करो कंटिन्यू करो। अगर तुम्हें यूनिट चाहिए तो कॉल दो 1020 I need a unit at my 1020 location, जो भी है वो बताओ। और ट्रीटमेंट जब भी करोगे पहले जो पेशेंट है उससे पहले आरपी इनिशिएट करो, समझो पहले उसे क्या इंजरीज है, कैसे आप ठीक करोगे। पहले सबसे पहले बैंडेज लगाओ, फिर जो ब्लड ब्लू निकल रहा उसका ट्रीटमेंट होगा थोड़ा सा। अगर उसको हेड इंजरी है हेड पे दूसरा बंदा मैं छोड़ा साथ बोल दो। हां ठीक है बोल दो। नहीं नहीं बोलो बोलो ऑर्डर इट। सो सर हमको लॉयटर नहीं करना यहाँ पे, जब भी कोई अगर जो पुलिस है वो लेकर आई है सस्पेक्ट्स को, हमको वहाँ पे जो जहाँ पे वो रिस्पो लाइक लेते हैं वो लाइक वहाँ पे लेते हैं वहाँ पे हमको लॉयटर नहीं करना। हम हेलीकॉप्टर नहीं चला सकते, जो लाइक जो भी अभी जो लेटेस्ट हेलीकॉप्टर आया है वो नहीं चला सकते। बट अगर व्हेन लाइक व्हेन वी स्टार्ट हेलीकॉप्टर्स एंड ऑल हम वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए चला सकते हैं। दूसरा वाला तो बिल्कुल भी नहीं चलाना अनलेस एंड अनटिल वी आर एन एयर वन ट्रेनी। उसके बाद हमको कोर्ट लाइक जब भी हम कोई भी पेशेंट्स के पास पेशेंट्स को हम लेकर आ रहे हैं तो आप कोर्ट 3 में आ सकते हो, एंड अगर बिना किसी पेशेंट्स के आ रहे हो तो आप आराम से भी आ सकते हो लाइक कोर्ट 1 में आ सकते हो एंड बिना किसी लाइट्स वाइट्स को तोड़े। एंड अगर कोई बहुत सारे पेशेंट्स अगर कोई पेशेंट दिख नहीं रहा आपको लाइक वहाँ पे जो लाइक जो एरिया में है वहाँ पे दिख नहीं रहा तो आप कहोगे दैट यू आर परफॉर्मिंग अ कोड 6। एंड अगर आप किसी भी रूट में जा रहे हो दैट सो यू कैन जस्ट से रिक्वायर्ड कार्लोस कंटिन्यू कर, मैं पानी लेके आ रहा। 1016 टू पलिटो और जो भी। एंड ओके ठीक है चलो एक मेन आती है ट्रीटमेंट आरपी, ये सब ईएमएस की सबसे मेन चीज़ होती है ट्रीटमेंट आरपी। इसके जनरली पता है मतलब क्या होता है कि आप कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हो, जब बंदे पिलबॉक्स में हैं जब बंदे आउट ऑफ पिलबॉक्स में हैं। तो मैं आपको अभी ये नहीं बताने जा रहा कि आपको कैसे ट्रीटमेंट करनी है, वो आप खुद जानो, मैं आपको बस सिचुएशंस बताऊंगा। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी अलग होते हैं, हर एक बार सेम चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा सीन होता है कि बंदे ये बोलते हैं कि
नॉर्मल ब्लीडिंग ये वो, तो उसमें आप उनकी हार्ट बीट पल्सेस चेक कर सकते हो ठीक है। बट कभी सीन होता है कि बंदे बोलते हैं कि नो इंजरीज नो ब्लीडिंग या